स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 सेवन्थ क्लास का थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज़ 154 m, फाइंड इट्स रेडियस. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट टेक पाई 22/7. कह रहे हैं कि सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस जो है 154 मीटर है, उसका रेडियस हमें फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द एरिया, और हमें जो शीट है सर्कुलर शेप में जो शीट है उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है, और हमें पाई लेनी है 22/7. अब ये सर्कुलर शेप है, इसके आउटसाइड के प्लेस को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इनसाइड के प्लेस को एरिया कहते हैं, और जो हाफ लाइन क्रॉस करती है सर्कल के अंदर उसको रेडियस कहते हैं. और सर्कमफ्रेंस हमें 154 मीटर दिया गया है, और एरिया हमने फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है, और पाई हमें दी गई है 22/7. पाई की वैल्यू ये दी गई है. नाउ फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस फार्मूला है 2πr, और सर्कमफ्रेंस दिया गया 154 m, और अब 2π 22/7 इंटू आर रेडियस सर्च करना है. अब सर्कमफ्रेंस है 154/2, और अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 22/7 था, अब 7/22 हो जाएगा. ओके, और इसको हमने काटा और 49/2 हो गया, और 2 से 49 को डिवाइड करा तो 24.5 आया रेडियस. और नाउ फाइंड एरिया. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये है, पाई आर स्क्वेयर. अब पाई 22/7 है, और ये हमारा 24.5 आया, 24.5 क्योंकि ये रेडियस स्क्वेयर में है तो दो बारी हमने लिखना है. अब ये डॉट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया दोनों तरफ. इन सब को काटा, उसके बाद ये आया 11 × 7 × 49. 11 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 77 आ गया, और फिर 49 से इसका मल्टीप्लाई हमने करा तो आ गया ये 3773. फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करा तो 1886.5 आ गया. अब यही आंसर है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल 1886.5 मीटर.